इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जमकर तकरार मची है। ऐसी तकरार मची है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि इसमें से कोई भी दल इंडी गठबंधन से अलग हो जाए। हालांकि बड़ी पार्टी के कारण कांग्रेस अलग नहीं हो सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन से पूरी तरह से किनारा कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से तकरार कांग्रेस से मची हुई है, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का तीखे वार शुरू हो गया है, उससे भविष्य में तो नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ साथ चलेंगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ में थी। खासकर दिल्ली में देखा जाए तो 7 सीटों में से दोनों ने मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। 3 पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के। लेकिन लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां चारों खाने चित हो गई थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। माना जा रहा है यहीं से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार और दरार दोनों पैदा होनी शुरू हो गई। और ऐसी स्थिति में फिर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर वार किया, तो कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी मौका मिला तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर वार करने से वो भी पीछे नहीं रहे। अब तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तो खुलकर मोर्चा खोल लिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो उन्हें कमजोर आकेगा वो भविष्य में पछताएगा। यानी संदीप पाठक ने आर पार की सीधे तौर पर लड़ाई जारी कर दी है और कांग्रेस को नसीहत दे दिया है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कमजोर हरियाणा में मत आका जाए, और अगर कांग्रेस कमजोर आकती है तो कांग्रेस को भविष्य में पछताना पड़ेगा। ये पूरी तरह से चेतावनी दे दी है संदीप पाठक ने। तो इसके बाद से साफ तौर पर यह पता चलता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रही सही जो कसर थी वो भी निकल गई। अब यहां पर गठबंधन तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी है। पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हो गई है, वहीं पर अभी आम आदमी पार्टी वेट एंड वॉच का रास्ता अपना रही है। अभी थोड़ी देर थम कर देखने की स्थिति में है कि क्या स्थिति बनती है, और इसीलिए अभी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान पे नहीं उतारे। लेकिन जैसी स्थिति बन रही है हरियाणा में, ऐसे में साफ तौर पर यह पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 90 विधानसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि उनके नेताओं का भी लगातार कहना है कि हमने जमीन तैयार की है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो वर्षों से हरियाणा में लगे रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में आम आदमी पार्टी की स्थिति है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो खुलकर 90 सीटों में पर वो मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। यानी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में हरियाणा में उतर सकती है। इसकी घोषणा के बाद से कांग्रेस में भी हलचल मचना शुरू हो गई है और कांग्रेस ने भी एकदम तय कर लिया है कि अगर इस तरह की धमकी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है तो किसी भी सूरत में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सकता। ऐसे में जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा और इसलिए कांग्रेस के नेता भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने हरियाणा के भिवानी से प्रचार शुरू कर दिया है, वो मैदान में उतर गई हैं। सियासत के उस मैदान में सुनीता केजरीवाल उतरी हैं जिस मैदान में उतारने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने बच्चे अपने परिवार सभी की कसमें खाते थे। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि वो बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं कि सियासत में अपने परिवार को नहीं उतारेंगे, सियासत के मैदान में अपने किसी सदस्य को यानी परिवार के किसी सदस्य को वो नहीं उतारने वाले। और वही अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश पर अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरी तरह से मैदान में है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली में खूब प्रचार किया, हरियाणा पंजाब में प्रचार किया, अब विधानसभा चुनाव हरियाणा में जब है तो हरियाणा में भी वो मैदान में उतर आई हैं और मैदान में उन्होंने उतर कर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अब सुनीता केजरीवाल क्या कह रही हैं कि वो हरियाणा की बहू हैं, हरियाणा की बेटी हैं, और इसीलिए
वो उन्हें वोट दिया जाए, यानी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया जाए विधानसभा में और उन्हें जिताकर सदन में भेजा जाए। सुनीता केजरीवाल यहां पर भी जैसे लोकसभा में उन्होंने इमोशनल किया था, उसी तरह से वो हरियाणा में भी जनता को इमोशनल करने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। हालांकि उनका ये कार्ड लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं चला, लेकिन हरियाणा में वो चलाने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए अब वो भिवानी से मैदान में उतरी हैं और चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने थाम ली है। लेकिन साफ तौर पर यह पता चलता है कि जिस तरह से कांग्रेस मोर्चाबंदी कर रही है उसको देखते हुए वो मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी और किसी भी तरह से फिर आम आदमी पार्टी को वहां पर टिकने नहीं देगी। इन दोनों के द्वंद में, इन दोनों की लड़ाई में, इन दोनों के युद्ध में, सियासी जो युद्ध है, सियासी जो लड़ाई है, उसका फायदा हो सकता है कि भाजपा को जरूर मिले, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अब वो खुलकर मैदान में उतरने वाली है और 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी को पूरी तरह से उतारेगी। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में साफ तौर पर यह पता चलता है कि जब लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, कुछ समय तक दोनों ने गठबंधन धर्म को निभाया, लेकिन हरियाणा के चुनाव में आते आते दोनों के गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है, दोनों के गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। तो ऐसे हालात में यह गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला और इसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस को हमेशा आम आदमी पार्टी से डर सताया करता है कि कहीं आम आदमी पार्टी उसके वजूद को खत्म ना कर दे, कहीं आम आदमी पार्टी उसकी जमीन को खत्म ना कर दे, कहीं आम आदमी पार्टी ऐसा ना करे कि पूरी तरह से कांग्रेस को हरियाणा से भी खत्म कर दे। क्योंकि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया, जहां वर्षों से कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, वहां से कांग्रेस को बेदखल होना पड़ा, ऐसे हालात में कहीं हरियाणा, कहीं पंजाब, तमाम और जगहों से भी आम आदमी पार्टी अपना कब्जा ना जमा ले। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया, कांग्रेस बेदखल हुई, तो ऐसे हालात में अब हरियाणा में भी कांग्रेस को यह डर लगता है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपना पैर जमा ले, मजबूत स्थिति कर ले और फिर हो सकता है कि कांग्रेस की जमीन कमजोर हो जाए। तो इसलिए कांग्रेस को हमेशा डर सताया रहता है आम आदमी पार्टी से कि आम आदमी पार्टी उसकी जमीन को ना छीन ले। हालांकि कांग्रेस के साथ हमेशा से ऐसा होता आया है, कांग्रेस को खत्म करने का जो प्रमुख काम किया है वो प्रमुख तौर पर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियों ने, क्षेत्रीय दलों ने प्रमुख तौर पर किया है। समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने कांग्रेस की जड़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी ने एकदम पूरी तरह से कांग्रेस को खत्म ही कर दिया। हालांकि पहले वहां पर कम्युनिस्ट का गढ़ था, लेकिन ममता बनर्जी जब से आई है तब से कांग्रेस की भी वहां पर दाल नहीं गल रही। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए, अलग अलग राज्यों में देखा जाए, जैसे बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार या फिर आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और इस समय कमान संभाले हुए तेजस्वी यादव, इन सब ने भी बिहार से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया है। तो जिन क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है, साथ में आती है, तो कांग्रेस को ही नुकसान उठाना पड़ता है, कांग्रेस को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है और धीरे धीरे कांग्रेस की जमीन समाप्त हो जाती है। तो हो सकता है कि कांग्रेस को ये लग रहा हो कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो हो सकता है कि उसकी कहीं जमीन खत्म ना हो जाए, समाप्त हो जाए, और इसीलिए कांग्रेस भी दूरी बना रही होगी। और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को भी ये लगे कि पंजाब की तरह थोड़ा मजबूत स्थिति में हरियाणा में आम आदमी पार्टी आ जाए और इसीलिए वो भी कांग्रेस से दूरी बनाने का काम कर रही है। तो ऐसे हालात में इंडी गठबंधन बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है।